अन्य अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार रखने का मुझे मौका दिया आज रिको पर और आरसीडीएफ पर प्रतिवेदन जो आए हैं मैंने देखा कि आरसीडीएफ के प्रतिवेदन जो है वो चार साल के एक साथ आज दिए गए हैं मुझे लगता है कि ये सदन की अवमानना है प्रतिवर्ष जो ऑडिट और प्रतिवेदन जो दिए जाने थे वो समय रहते दें तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जैसा कि पहले भी तमाम सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के घोटालों के बारे में बात की भ्रष्टाचार की बात की आदरणीय सदस्य ने अभी कहा कि सीकर में टोंक में झुंझुनू में जैसे ही ये प्रतिवेदन आए उसके बाद में थोड़ा बहुत जो हमने तैयारी की तो हर जगह कई सारी स्थितियां निकल के आई मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो साल पूर्व मालपुरा में एक बटर पैकिंग मशीन खरीदने के लिए साढ़े चार करोड़ का एक टेंडर हुआ सिंगल टेंडर किया गया एक करोड़ और अस्सी लाख रुपए भुगतान भी कर दिया गया पर दुर्भाग्य है कि ना तो वो मशीन आई पैसा किसके खाते में गया कोई नहीं जानता और वापस कभी किसी ने सूद भी नहीं मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आर की अभी बात चल रही थी कि ये जो स्टॉक है दूध का पाउंडर का लगभग 14,000 टन घी का ये इतना स्टॉक पड़ा है इसका क्या करेंगे इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल है तमाम तरीके के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ रहे हैं इन पे प्रोडक्शन की कोई डेट नहीं लगी हुई एक्सपायरी डेट इस पर लिखी गई क्योंकि ये रीप्रोसेस करके मार्केट में लाया जा रहा है ये बहुत बड़ा मामला है एक तरफ हम सब शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर ऐसी घटनाएं आगे आती हैं तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को इस मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए और सरकारी उपक्रम भी जब एक्सपायरी माल मार्केट में बेचेंगे तो फिर आप अच्छे अच्छी चीज़ों की किससे उम्मीद करेंगे आज के समय में जे मार्ग पर मैंने एक ही डेयरी का इतना बड़ा वो स्टॉक देखा है इतना बड़ा वो शोरूम टाइप का देखा है हमारे वहाँ नहीं है साहब पशुधन सबसे ज़्यादा है पर डेयरी के मामले में हम बहुत पीछे अभी बात चल रही थी साहब इतने अनुपात में पशु है डिमांड इतनी है सप्लाई ये है साहब हमारे वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत है पर यहां तक लाने वाला कोई नहीं अभी बात चल रही थी कि साहब ऊंटनी के दूध से कैंसर को सही किया जा सकता है अभी बात चल रही थी साहब सेवन घास की थार पार्क नस्ल की ये तमाम चीजें हमारे उस तरफ है पर उनको कलेक्ट करके यहां तक कौन ले आए तो मेरा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि आप गांवों को मजबूत करने के लिए वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेरी को और सुदृढ़ करें हमारे उस तरफ उस रेगिस्तान में उस सीमांत क्षेत्र में आप कलेक्शंस के नए सेंटर आप डेवलप करें जे की मैंने बात की कि यहाँ पे जयपुर डेयरी का एक पार्लर है जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो कई सारी चीजें निकल के आई अभी एक बार किसी फर्म को इन्होंने लीज पे दिया ढाई करोड़ रुपए खर्च किए गए उसके रिनोवेट पे वही एक ही फर्म को बिना किसी टेंडर के सीधा काम दे दिया गया पता नहीं कैसे मुझे लगता है कि वहाँ अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है कि साहब यही करने वाले हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए सीकर के टेंडर की अभी बात हुई तो मैं बताना चाहूँगा कि सीकर में अभी तक कभी कोई टेंडर हुआ ही नहीं ठेकेदार करोड़ों रुपए डेयरी के लेके भाग गए पर आज तक उसकी कोई रिकवरी नहीं हुई बाड़ी जब खेत को खाएंगे साहब तो बचाने वाला कौन होगा आज जयपुर डेयरी के जो चेयरमैन हैं उनके उनका खुद का काला डेरा में एक किसान केसरी नाम की एक कैटल फील्ड प्लांट संचालित हुआ है और पिछले पांच साल से तमाम जो समितियां हैं उनको ये माल बेचा जा रहा है जो अगर नहीं लेता उसके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि यह आर सी जो है इसका नाम राजस्थान चोर ठेकेदारों की फेडरेशन कर दिया गया है हमारे लिए सभी के लिए ये बड़ी दुख की बात है और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से आप कड़े फैसले लें संवेदनशीलता दिखाएं क्योंकि यह जो मामला है यह जो डेयरी है यह सीधा आम आदमी से जुड़ाव रखती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद मान्य मंत्री